जी कैम 7.4 का एक लेटेस्ट अपडेट आ गया है जो कि 4K 60fps तक को सपोर्ट करता है और बहुत इंटरेस्टिंग आपको चेंज देखने को मिल जाता है जिसे आप अपने एंड्रॉयड के किसी भी डिवाइस के ऊपर यूज कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो अभी मेरे पास है पोको का X2, पोको F1 और K20 प्रो जिनके अंदर मैं अभी फिलहाल इसे यूज कर पा रहा हूँ, ये परफेक्टली काम भी कर रहा है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस GCAM से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ कि इसे आपको यूज कैसे करना है, क्या कुछ नए चीज़ें देखने को मिल जाता है और कैसा है इसके कैमरे की क्वालिटी। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर वॉच करें। हेलो एवरीवन, आई एम एमके एंड यू आर वाचिंग टेक ऑफिस। और इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ इस लेटेस्ट GCAM के बारे में जो कि 7.4 है जो कि हमारे एंड्रॉयड डिवाइस के लिए अवेलेबल हुआ है, जहाँ पे आपको ह्यूज चेंजमेंट और न्यू फीचर्स देखने को मिल जाता है। फर्स्ट चेंजमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको DND का नया फीचर्स प्रोवाइड किया गया है ताकि जब भी आप यहाँ से वीडियो रिकॉर्ड वगैरह करो तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को ना मिले और आप इजीली जो वीडियो रिकॉर्ड कर पाओ, तो एक काफ़ी अच्छा खासा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सेकेंड, अगर आप इसके टैप को ड्रॉ करते हो तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देता है रेजुलेशन का, जो कि आप डायरेक्ट यहाँ पे जो फुल HD और 4K इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। साथ साथ 24fps से लेकर 60fps तक का सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, यानी कि आपको रेजुलेशन चेंज करने के लिए आपको सेटिंग के अंदर इन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली जो कैमरे को ओपन करके यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चेंजमेंट है जो किया गया है। साथ ही साथ अगर आप कैमरे के अंदर आते हो तो यहाँ पे आपको HDR का मोड मिल जाता है जो कि आप यूज कर सकते हो और टैप करने के बाद आप यहाँ पे जो एक्सपोजर वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छा खासा ऑप्शन आपको जो यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो इसके मैक्सिमम फीचर्स आपको वर्केबल देखने को मिल जाते हैं, चाहे आपका है जो यहाँ पे लेंस हो या फिर आपका पैनोरमा हो, नाइट साइड हो या फिर पोर्ट्रेट हो। यहाँ पे K20 के अंदर सेल्फी भी अच्छे तरीके से काम करता है, तो यहाँ पे सेल्फी भी आप यूज कर सकते हो क्योंकि बहुत सारे GCAM है जो कि सेल्फी इनेबल करते ही हमारे कैमरे को लैग करा देता है, फ्रीज करा देता है, बट यहाँ पे प्रॉपर काम कर रहा है। और यहाँ पे सेम मैं कैमरा यहाँ पे पोको F1 के अंदर भी यूज कर पा रहा हूँ और साथ साथ हमारे जो पोको के X2 के अंदर भी, जहाँ पे अच्छे तरीके से काम करता है। बट इसे इंस्टॉल करने के बाद आपको एक छोटा सा चेंजमेंट करना होगा। सबसे पहले आपको अपने सेटिंग के अंदर इन करना है और यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई देता है वीडियो स्टेबलाइजेशन का, इसे आपको इनेबल कर देना है। उसके बाद एडवांस के सेटिंग में आप इसे चाहो तो ऑन कर सकते हो, जो कि सो डर्टी लेंस का वार्निंग है, इसे आप इनेबल कर लो ताकि जब भी कोई लेंस वगैरह पे डस्ट रहेगा तो ये आपको वार्निंग दे देगा। उसके बाद आप यहाँ पे फोकस ट्रैकिंग को इनेबल कर सकते हो ताकि आपको जो फोटो क्लिकिंग में डिस्टर्बेंस ना हो और ऑब्जेक्ट को आप ट्रैक कर सको। यहाँ पे है जो जूम का ऑप्शन मिलता है जो कि आप डिसेबल कर सकते हो अपने पोर्ट्रेट पिक्चर वगैरह के लिए, क्योंकि अगर आप नॉर्मली पोर्ट्रेट पिक्चर क्लिक करोगे तो आपको जो यहाँ पे जूम देखने को मिल जाता है। यहाँ पे सेव मिल जाता है एक नया ऑप्शन, जो कि आप इसे इनेबल करके अपने GCAM से क्लिक किए गए सारे इमेज को सेम फोल्डर के अंदर सेव कर सकते हो जो कि आपका डिफॉल्ट कैमरा सेव करता है। नीचे की ओर आपको मिल जाता है स्टोरेज वीडियो का ऑप्शन, जिसे भी आप इनेबल कर सकते हो ताकि आपको अच्छी सी डिटेल्स देखने को मिले और कोई भी प्रॉब्लम ना आए। बाकी आपको कोई भी चेंजमेंट यहाँ पे नहीं करना है। अगर आप सोशल मीडिया पे शेयरिंग के लिए यूज करते हो तो आप यहाँ पे इसे ऑन करके इन एप्लीकेशन को ऑन कर सकते हो ताकि आप जब भी फोटो क्लिक करो तो आपको ऑप्शन देखने को मिले शेयरिंग का कुछ इस तरीके से, जो कि कुछ नए लुक में आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसके हर एक सेटिंग को जो रीडिजाइन किया गया है ताकि आपको बेहतर सा लुक मिल सके और बेहतरीन से इमेज की क्वालिटी भी आपको देखने को मिल सके। साथ ही साथ अगर आप इसके एक्सपोजर के बटन पर टैप करते हो तो आप छोटा मोटा जो वीडियो रिकॉर्ड है जो कर पाओगे, तो ये भी नया फीचर्स यहाँ पे ऐड कर दिया गया है जो कि अब तक के प्रीवियस के जितने भी कैमरे के अपडेट आए थे उनमें हमें देखने को नहीं मिला था, जो कि आप इजीली किसी भी एंड्रॉयड के डिवाइस के ऊपर जो यूज कर पाओगे आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो अच्छे तरीके से ये फंक्शन करता है और कोई भी परेशानी आपको नहीं उठानी पड़ती है। करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिसे आपको डाउनलोड करना है, जिसके फाइल नेम आप देख सकते हो यहाँ पे 7.4.104 देखने को मिल जाता है। डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लेना है और कंप्लीट इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद जितने भी परमिशन है सभी को ऑन कर देना है और जो सेटिंग मैंने आपको स्टार्टअप में बताया था उसे बस आपको जो चेंज कर देना है अपने सेटिंग के अंदर इन करने के बाद। उसके बाद आप इस कैमरे को इजीली जो अपने किसी भी डिवाइस के अंदर जो यूज कर पाओगे और ये अच्छे तरीके से काम करेगा। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि एक बीटा वर्जन है जो किसी किसी डिवाइस के लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करके दे सकता है, यानी थोड़ा बग देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पे अच्छे तरीके से काम कर रहा है।
हमारे पोको के H2 के अंदर, पोको F1 के अंदर, K20 प्रो के अंदर और बाकी अंदर जितने भी एंड्रॉयड 10 के डिवाइसेज हैं उनमें भी अच्छे तरीके से वर्किबल आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज की अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करें और नहीं पसंद आई तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो को वॉच करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, ताकि मैं आपको इसी तरह के वीडियो प्रोवाइड कर सकूं जिसका फुल बेनिफिट है जो टाइम टू टाइम लेते रहो। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक लिए बाय बाय।